तो मेरे प्यारे भाइयों और उनकी बहनों, क्या हाल है तुम लोगों के। फिर से वेलकम है तुम्हारा एक ब्रांड न्यू वीडियो में, जहां आज हम खेलने जा रहे हैं हाउस फ्लिपर्स। तो भाई अगर तुमने ये गेम खेला है या इस गेम को जानते हो ना, तो तुम जानते होगे इस गेम में हमें करना क्या होता है। और अगर नहीं जानते हो तो भाई मैं किस लिए बैठा हूँ, मैं ही बता देता हूँ इस गेम में हमें क्या करना है। देखो, पैसा कमाना है, पैसा कमा के नया घर खरीदना है, उसे रेनोवेट करना है, उसे और अच्छा बनाना है, उसके बाद उसे बेच के और ज्यादा पैसा कमाना है, और ऐसे ही करते करते हमें बहुत सारा पैसा कमाना है, ठीक है। और अभी इस गेम को मैं मतलब कि पहली बार नहीं खेल रहा, इस गेम को मैं ऑफलाइन भी 2-4 बार खेल चुका हूँ पहले ही, मतलब 2-3 दिन से खेल रहा हूँ। तो अभी मेरे पास थोड़े बहुत पैसे हैं, लेकिन मेरे पास जितने पैसे उतने पैसे इनफ नहीं है भाई किसी भी घर को खरीदने के लिए, क्योंकि यहाँ पे घर बहुत महंगे महंगे आ रहे हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पैसा और कमाना पड़ेगा। और हम पैसा कैसे कमाएंगे, हमें जॉब्स मिलती हैं, वो जॉब्स हमें कंप्लीट करनी पड़ेगी। तो भाई बिना किसी देरी के चलते हैं गेम के अंदर और जॉब्स कंप्लीट करते हैं, ठीक है। आ चुके हैं हम अपने गेम के अंदर, ये अपना ऑफिस है और ये अपना ही घर है, ठीक है। तो अब तुम ऊपर मेरे मनी वाले कॉलम में देख सकते हो, वहाँ पे 1,20,000 रुपए है, और हमें और ज्यादा पैसे कमाने हैं, क्योंकि भाई यहाँ पे घर जो है सस्ते सस्ते नहीं मिलते। ये तुम देख सकते हो 5 लाख, 4 लाख, 7 लाख और कोई कोई तो 1-1 मिलियन का घर है, ठीक है। तो हमें अगर कोई सा भी घर खरीदना है ना, इसका सबसे चीपेस्ट घर भी खरीदना है ना, तो भी हमारे पास 1,65,000 रुपए होने चाहिए। अपने पास है सिर्फ 1,20,000 रुपए, तो भाई अपने को बहुत ज्यादा पैसा कमाना पड़ेगा, क्योंकि 1,65,000 रुपए का तो सिर्फ घर घर आएगा, उसको रेनोवेट करने का भी खर्चा अलग होगा ना। तो ना ना करते करते भाई अपने को 2 लाख रुपए तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि भाई रेनोवेट करेंगे तभी जिस रेट पे हम लेंगे उस रेट से ज्यादा का बिकेगा वो। तो भाई तुम देख सकते हो यहाँ पे ये बहुत महंगे महंगे घर है, और वो देखो 1,65,000 वाला सबसे चीपेस्ट घर वो रहा साइड में कोने में, ठीक है। तो अपने को पैसा कैसे मिलेगा जब अपने पास घर ही नहीं है, हम उसे बेच ही नहीं सकते, तो पैसा कैसे मिलेगा। तो तुम देख सकते हो भाई मेल बॉक्स में मेरे पास बहुत सारे मेल आ रखे हैं काम के। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा ये एलिस जॉनसन जो है, ये आंटी है, ये अपने को पैसा दे रही है, 20,000 रुपए दे रही है ये आंटी। तो इनके घर पे मैं जाऊंगा, काम करूंगा और पैसे कमा के लाऊंगा, ठीक है। तो चलते हैं जल्दी से इन आंटी के घर पे। तो भाई मैं पहुंच चुका हूँ आंटी के घर पे, और ये आंटी का घर नहीं, एक्चुअली आंटी का प्ले स्कूल है। तो भाई यहाँ पे तुम देख सकते हो क्या ही उदम मच रखा है भाई। यहाँ पे प्ले स्कूल में बच्चे खेल रहे थे, लड़ाई कर रहे थे, मेरे को समझ नहीं आ रहा। और यहाँ पे इतना सारा कूड़ा कबाड़ा मच रखा है पूरे प्ले स्कूल का, क्या कचरा घर बना दिया इन लोगों ने, तुम देख सकते हो सामने। और ये रहे अपने सारे टास्क जो अपने को कंप्लीट करने हैं आंटी के पूरे प्ले स्कूल में। सारे टास्क कंप्लीट हो जाएंगे ना, तब अपने को 20,000 रुपए मिल जाएंगे। तो भाई ये जितना भी कूड़ा कबाड़ा है, ट्रैश है, ये सारा मेरे को हटाना पड़ेगा, और जितनी भी ये सारी कुर्सियां गिर रखी हैं इन सबको उठाना पड़ेगा, जितना भी डर्ट ये सब कूड़ा कबाड़ा इन अलमारियों पे, इन दीवारों पे चिपका हुआ है ना, वो सब मेरे को साफ करना पड़ेगा। और जितना भी ये घर पूरा एकदम बिखरा हुआ है ना, उसे समेटना पड़ेगा, तब जाके हमें हमारा पैसा मिलेगा, वरना अपने को अपना पैसा नहीं मिलने वाला। तो भाई बिना किसी देरी के ना काम स्टार्ट कर देते हैं। और भाई चेयर वगैरह लगाना तो मैंने शुरू भी कर दिया है, ठीक है। तो चेयर वगैरह लगानी शुरू करते हैं। ये यहाँ पे जितनी भी चेयर है नीचे गिर रखी है ना, इन सबको मैंने लगाना स्टार्ट कर दिया है, और इन सबको आराम से लगा देंगे अपन जल्दी जल्दी, ये सारा काम खत्म करते हैं, क्योंकि भाई एक टाइम लिमिट वाला टास्क है अपना। क्योंकि तुम सामने देख सकते हो यहाँ पे एकदम अपने लेफ्ट साइड में कॉर्नर पे एक टाइम लिमिट आ रही होगी, जो कि 11 मिनट की दिख रही है तुम्हें। वो भाई उस 11 मिनट के अंदर अंदर मेरे को जितने भी ये टास्क दे रखे हैं ना, वो सारे के सारे कंप्लीट करने पड़ेंगे, वरना फिर मेरे को पैसा नहीं मिलने वाला। मतलब जितना पैसा उस पे लिखा था वो नहीं मिलने वाला, जितना मैंने काम किया उस हिसाब से मिलेगा, ठीक है। तो ये सारे कूड़ा कबाड़ा तो हटाना पड़ेगा भाई जल्दी जल्दी, क्योंकि भाई देख लो भाई, मेरे को एक चीज समझ नहीं आ रही, ये प्ले स्कूल है, ठीक है, प्ले स्कूल में वहां पे ड्रिंक्स की कैन क्या कर रही है भाई? कौन सा ऐसा बच्चा है जो ड्रिंक्स पीता है, ठीक है। मतलब कोल्ड ड्रिंक वगैरह अलग चीज होती है, लेकिन वो कोल्ड ड्रिंक की कैन नहीं लग रही, तुम भी साफ साफ देख सकते हो, वो अलग ही चीज की कैन लग रही है। और मेरे को समझ नहीं आ रहा वो चीज पीता कौन है प्ले स्कूल में। टीचरों ने लगता है क्लब वगैरह बना रखा है अपने, जैसे बच्चे जाएंगे वैसे हम क्लब चालू कर देंगे भाई, अपने पार्टी वगैरह करेंगे, और उसके बाद साफ करने का जिम्मा हमारा। लेकिन कोई नहीं भाई, ये साफ करने के पैसे दे रहे हैं तो हम साफ भी कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रेडिएटर यहाँ नीचे लटका हुआ है, इसे भी चिपका देते हैं भाई, जल्दी से जल्दी चिपका दें, ठीक है, चिपका दो, चिपक गए रेडिएटर भी। अब जितना भी तुम्हें यहाँ पे ये पानी कूड़ा कचरा जितना भी तुम्हें दिख रहा है ना, यहाँ पे डर्ट वगैरह फैली हुई है, ये सारे मेरे को मॉप से साफ करना है। तो इसे मॉप से जल्दी साफ करता हूँ मैं सब चीज़ों को, ठीक है, ताकि भाई ये टाइम के अंदर अंदर ये टाइम फाउंडेशन लगा रखी है ना, ये सबसे बड़ी चीज़ है। चलो ये मकड़ी का जाला साफ किया, बारी आती है अपनी विंडो भी क्लीन कर देते हैं। तो ये गए हम विंडो के पास, और विंडो को क्लीन करना कर दिया हमने स्टार्ट, और विंडो कर दी हमने एकदम चकाचक। तो विंडो हो चुकी है भाई एकदम अपनी चकाचक, और ये अपनी दूसरी विंडो चकाचक, ये अपनी तीसरी विंडो भी हो चुकी है एकदम चकाचक, ठीक है। अब देखते हैं अपना और क्या क्या काम रह रहा है इस क्लासरूम के अंदर। तो भाई यहाँ पे अभी 2-4 डर्टे और साफ करनी है अपने को, मेरे को दिख रही है भाई ये
बोर्ड पे ही लगी हुई है डर्ट, और ये थ्रैश भी अभी बचा हुआ था, थ्रैश भी साफ करना है, और नीचे भाई कितना ही कूड़ा फैला रखा है इन लोगों ने भाई। ये क्लासरूम को क्लासरूम की तरह समझना चाहिए, इतना भी कबाड़ नहीं फैलाना चाहिए। तो भाई ये लास्ट डर्ट थी, ये भी हमने साफ कर दी, और शायद क्लासरूम का अपना काम पूरा हो चुका है। अब हमने जाना है प्ले रूम में, और प्ले रूम से जितना भी, अबे कितना थ्रैश है इसमें, वो भाई तुम देख सकते हो भाई, बहुत ज्यादा ही थ्रैश है इसमें, और देखो डर्ट भी कितनी ज्यादा फैल रखी है इसमें। भाई साहब ये प्ले रूम है या थ्रैश रूम है, मेरे को समझ नहीं आ रहा। यहाँ पे देखो पिज्जा के बॉक्सेस यहीं रख रखे हैं भाई, खा के डस्टबिन में फेंकना होता है, तमीज नहीं है क्या तुम में? चलो कोई नहीं, अब हम साफ करते हैं इसी चीज़ के, तो हम पैसे ले रहे हैं इन लोगों से, अगर यही चीज़ ये लोग नहीं करेंगे तो इस गेम में अपना खर्चा नहीं चल पाएगा। और विंडो भी देखो भाई बहुत ही ज़्यादा गंदी हो रही है, तो विंडो भी अब जल्दी से साफ करनी है। पहले जितनी भी चीज़ें गिरी हुई है ना उनको सबको मैं उठा के रख देता हूँ। थोड़े फ्लिप कॉइन मिले, कुछ अचीवमेंट इन लोगों को ही। अब ये एक और चेयर को उठा के रख देता हूँ मैं, ठीक है। अब विंडो साफ करने की बारी है अपनी, तो विंडो को भी जल्दी 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 चकाचक कर देते हैं अपन, ठीक है। जैसे पिछले रूम की विंडो को हमने एकदम गंदे वाला चकाचक कर दिया था, मतलब गंदे वाला चकाचक नहीं, तुम समझ रहे हो ना मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, गंदे वाले से मेरा मतलब है अच्छे वाला चकाचक, मतलब एकदम गंदी तरह रगड़ दिया था तो वो बहुत अच्छे तरीके से चकाचक हो गई, समझ गए ना तुम? हाँ तुम समझ गए, ठीक है। तो अब जल्दी जल्दी ना डर्ट साफ कर देते हैं। देखो भाई यहाँ पे ये काई जम रखी है पूरी की पूरी, ये पता नहीं क्लास रूम में, मतलब ये प्ले रूम है, क्लास रूम नहीं है, ये प्ले रूम में क्या करते हैं भाई, मेरे को समझ नहीं आ रहा। काई तो जहाँ तक मेरा हिसाब है वहीं जमती है ना जहाँ पे गंदा पानी होता है, ये क्लास रूम में गंदा पानी रहता है। अब यार प्ले रूम है, क्लास रूम की बोल रहा हूँ मैं बार बार, चलो कोई नहीं। अब जल्दी जल्दी ना ये साफ कर देते हैं क्योंकि अपने पास ज़्यादा टाइम है नहीं, 7 मिनट अभी बचे हुए हैं। एक मिनट, हमने मतलब कि वहाँ का काम ना हमने 4 मिनट में कंप्लीट कर दिया, अपने पास मतलब टाइम है अभी यार, अगर ये लास्ट रूम है तो टाइम अभी अपने पास है, लेकिन मेरे को लग नहीं रहा कि ये लास्ट रूम है। इसमें 28 डर्ट है भाई, यहाँ पर जहाँ नज़र जा रही है वहाँ डर्ट है, देख लो भाई तुम, मतलब मेरे को दिख रही है जहाँ जहाँ नज़र जा रही है वहाँ वहाँ डर्ट मेरे को आराम से दिख रही है, इसमें बहुत ज़्यादा ही डर्ट है। तो अब जल्दी से सारी डर्टें मैं साफ़ करता हूँ। भाई यहाँ पे मैं अच्छी तरीके से पूरा ढूंढ चुका हूँ, मेरे को यहाँ पे ना वो लास्ट डर्ट मिल ही नहीं रही है, तो मैंने सोचा कि बाद में ही करूँगा उसे साफ। और तुम देख सकते हो कि टाइमर भी अपना ऑरेंज हो चुका है, अब यहाँ पे ग्रीन नहीं रहा, तो अब जल्दी जल्दी सारा काम मेरे को करना पड़ेगा। जितना भी सामान बिखर रखा है इसको सही करना पड़ेगा पहले, ये जितनी भी चीज़ें गिर रखी है इनको उठाना पड़ेगा। और ये देखो ये एक और डब्बा मेरे से छूट गया, अब इसे कोई नहीं ट्रैश में डाल दिया। अब ये चेयर को भी उठा देते हैं। अब और कौन सी चेयर भाई बिखरी हुई है, हाँ वहाँ पर एक चेयर है जो कि गिरी हुई है, उसको भी उठा देते हैं, तो उसको भी उठा दिया मैंने। अब कौन सी चेयर गिरी हुई है दिख नहीं रही भाई, हाँ ये एक आखिरी चेयर गिरी हुई है तो इसको भी उठा देता हूँ। अब जल्दी से इसे भी उठा दिया मैंने। अब देखते हैं, अब क्लीन विंडो, विंडोज़ तो सारी क्लीन कर दी ना मैंने, और कौन सी विंडो रह रही है भाई पता नहीं, लेकिन अब देखते हैं कोई डर्ट तो मिले। अरे यार डर्ट कहाँ है, यहाँ पे मेरे को डर्ट डर्ट डर्ट, यहाँ पे डर्ट, यहाँ पे डर्ट, अबे कहीं एक आखिरी डर्ट मिल जाओ ना यार, मेरे को लेट हो रहा है, जल्दी से डर्ट मिलना। कहाँ है कहाँ है, एक मिनट मिल गई, मेरे को डर्ट मिल गई, देखो वहाँ पे कोने में एकदम छुपा के रख रखी है डर्ट, तुम देख रहे हो। अब भाई इसे निकालूँ कैसे इस डर्ट को, हो जा साफ, हो जा हो जा हो जा हो जा, नहीं हो रही भाई, लगता है पहले इन पर, हाँ ये देखो भाई साहब उसमें क्लीन विंडो आ रहा था, ये आखिरी विंडो भी बची हुई थी और वो डर्ट भी बची हुई थी, ये कर्टन के पीछे विंडो छुपा रखी है और डर्ट भी छुपा रखी है। तो चलो अब उस डर्ट को साफ करते हैं भाई, यहाँ से ना ये एम करना बड़ा मुश्किल हो रहा है क्योंकि बीच में पोल हैगा, और हो जा हाँ हो गई। तो चलो अपना इस रूम का भी काम सारा शायद फिनिश हो चुका है, नहीं हुआ भाई, इन्हें अभी वॉलपेपर चिपकवाने हैं, अभी काम कहाँ से फिनिश हो गया। तो चलो वॉलपेपर चिपकाते हैं इनके लिए, चांद सितारे वाले वॉलपेपर चिपकवाना चाहते हैं हमसे, तो इनके लिए जल्दी जल्दी वॉलपेपर सारे चिपका देता हूँ मैं। ये रहा लास्ट वॉलपेपर जो कि मैं चिपका चुका हूँ, और ये वॉलपेपर वाला काम भी ख़त्म हो गया, अब शायद हो जाए ख़त्म काम, लेकिन भाई मेरे को लग नहीं रहा क्योंकि अभी प्ले रूम का ही काम आ रहा है। एक और वॉलपेपर चिपकाना है इस वाले उस पर, भाई अच्छे खासे कैंडी वाले वॉलपेपर चिपके रखे हैं, तो तुम ये एनिमल्स वाले क्यों चिपकाना चाहते हो भाई, अच्छा खासे तो लग रहा है पूरा का पूरा रूम ये, फिर भी भाई हमारा पैसा बर्बाद करवाना चाहते हैं ना, ठीक है। उसमें मतलब नीचे लिखा भी आया था कि एस्टिमेट खर्चा शायद 4000 का लिखा आया था, तो हमारा 4000 का खर्चा उसमें होना था ना, प्रॉफिट सिर्फ है 16000 रुपये का। तो अब आगे चलते हैं बाथरूम में, बाथरूम का टास्क आ रहा है, और भाई साहब क्या ही गंदगी मचा रखी है, क्या ही गंदगी मचा रखी है इस बाथरूम में।
भाई मैं तो देख के हैरान हो गया, ऐसे बाथरूम को देखना पसंद ना करूं मैं, और मैं क्या कोई भी देखना पसंद ना करे ऐसे बाथरूम को। भाई माना कि हम यहाँ पे साफ सफाई करने वाले हैं, साफ सफाई करने आते हैं, लेकिन भाई अपने हाथ से भी तो कोई कोई साफ सफाई हो जाती है, भले ही तुम्हारा प्ले स्कूल है, इतना भी बड़ा स्कूल नहीं है, घर जितना स्कूल है तुम्हारा, तुम साफ सफाई तो कर ही सकते हो अपने हाथ से, लेकिन कोई नहीं भाई कर देते हैं। ये 16,000 में हमसे इतना सब कुछ करवा रहे हैं, क्योंकि भाई देखो 4,000 तो अपना खर्चा लग ही गया ना, ये 16,000 में ही तो करवा रहे हैं हमसे ये सब, मतलब जितना उस पर खर्चा हमारा लगा ना, क्योंकि हमने वॉलपेपर चढ़वाया सब कुछ करा तो उसमें हमारे भी पैसे लगे ना, तुम देख सकते हो। ठीक है, तो अब मेरे को क्या करना है, ये आइटम जो हाईलाइट हो रहे हैं उन्हें सेल करना है, जैसे कि ये वॉश बेसिन हो गया, इनको मेरे को सेल करना है, तो इनको मैंने सेल कर दिया, अब मेरे को इसको अपनी जगह पर लगाना है, तो लो मैंने इसको अपनी जगह पर भी लगा दिया। अब क्या करना है, अब एक मिनट, यहाँ पे प्लास्टर लगेगा, लेकिन यहाँ पे अभी कोई ऑप्शन आ नहीं रहा प्लास्टर लगाने का, तो बाद में लगाऊंगा। और क्या करना है, विंडो क्लीन करनी है, विंडो क्लीन मैं कर देता हूँ, क्योंकि भाई विंडो क्लीन करने का टास्क तो आने ही वाला है, क्योंकि गंदी पड़ी है तो क्लीन तो करनी ही पड़ेगी, तो विंडो को जल्दी जल्दी क्लीन कर देता हूँ। तो विंडो ये वाली भी अपनी हो चुकी है एकदम चकाचक, तो अब देखते हैं आगे का टास्क क्या है। ये वाली विंडो भी क्लीन करनी है, तो ये वाली विंडो भी हमने कर दी है एकदम चकाचक, तो ये वाली विंडो भी क्लीन कर दिया। अब आगे का टास्क बताओ भाई, हमने पास टाइम कम है, हमने पास भाई सच्ची में, ये देखो प्लास्टर वाला आ गया, अपने पास सच्ची में भाई सिर्फ एक मिनट से भी कम टाइम है, अब तो एक मिनट से भी कम टाइम है भाई, तो जल्दी जल्दी अब इस वॉल पे अभी ये टाइल चिपकवाएंगे। लेकिन ये सिर्फ एक ही वॉल हाईलाइट हो रही है, अरे वाह बस इतना से चिपकाना था, सही है यार, क्या दिक्कत है। अब क्या करना है जल्दी बताओ यार, अब क्या करना है। अच्छा अब मेरे को ये बाय करना है, वॉश मशीन जो मैंने बेचा था उसको फिर से बाय करना है मेरे को, तो तुम देख सकते हो यहाँ पे 4,000 का खर्चा तो प्यार से आया मेरा, ठीक है 4,000 का खर्चा इन लोगों ने ला दिया है मेरा। अब मेरे को इनके वो भी बाय करने पड़ेंगे, पता नहीं क्या क्या जो बेचे था, और क्या बेचा था, बस ये 3 चीज़ें बेची थी, और क्या बाय करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं। अच्छा ये साबुन भी उसमें थे क्या, पता नहीं भाई, साबुन भी बाय करने पड़ेंगे अब मेरे को। ठीक है, वहाँ पे फिनिश का देखो, तुम देख सकते हो यहाँ पे नोटिफिकेशन एक फिनिश का आया, मैं फिनिश ऑर्डर कर सकता हूँ, लेकिन ना अगर मैंने ये सब चीज़ें बाय करके नहीं दी ना इन्हें, तो ये मेरे को पैसा कम देंगे, पैसा ज़्यादा नहीं देंगे। अब ये लास्ट वाला रह रहा है, और ये लो भाई हो चुकी है अपनी ड्यूटी फिनिश, और हमें 20,000 रुपये मिल चुके हैं, और 5,000 रुपये इसकी वजह से इसने भी हमें दे दिए हैं, और ये कह रहा है कि इंस्टेंट ट्रांसफ़र होगा, हमें 15 फ्लिप कॉइन देने पड़ेंगे और हमें 37,500 रुपये मिल जाएंगे, तो हम भाई 37,500 रुपये में खुश हैं, हम 15 फ्लिप कॉइन दे रहे हैं। तो गाइस आ चुका हूँ मैं अपने ऑफिस में, और तुम सामने देख सकते हो नोटिफिकेशन आ चुका है कि मेरे 37,500 रुपीज़ जो है मेरे अकाउंट में आ चुके हैं, और मेरे पास हो चुके हैं 1,53,770 रुपीज़। तो भाई अपने को चाहिए पूरे 2,00,000 रुपीज़, ताकि हम 1,65,000 रुपये का तो वो घर खरीद सकें, और 35,000 की उसकी रेनोवेशन कर सकें, ताकि वो घर जितने रेट में हम खरीदें उतने रेट से महंगे का बिके। ये था एक ट्रायल इस गेम का, कि इस गेम को हम कैसे खेलने वाले हैं। अगली वीडियो में हम एक घर परचेज करेंगे, उसे रेनोवेट करेंगे और उसे उससे ज़्यादा रेट का बेचेंगे। तो अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, और वीडियो को शेयर करके जाया करो यार, और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना, तब तक के लिए बाय बाय।